अभी कोई ट्री हो सब कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब वेस्ट गया, स्टोन गया, डर्ट गए। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं लकी ब्लॉक स्काई वर्ल्ड। हाँ, एक लकी ब्लॉक स्काई वर्ल्ड है ये, और आपको जैसे पता होगा कि ये मैप में कुछ लकी ब्लॉक दिख नहीं रहा है, तो वेट करो, सबर करो, सब दिखेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस स्काई ब्लॉक वर्ल्ड में बहुत सारे ट्विस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। और हाँ, हमें दिख गया है सामने ये हमारा आइलैंड पे लकी ब्लॉक स्काई, तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे पर थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि हम लोग को पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वहाँ पर जाने से पहले। तो यहाँ पे है चेस्ट के अंदर बुक, बोन नील, एप्पल, सैपलिंग, लावा और आइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को दी गई हैं, और तुम लोग बताना मुझे लावा और आइस से क्या बनता है, मतलब क्या चीज़ बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, बताओ ना। क्या बताऊँगा, बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। और यहाँ पे है मैनुअल्स जो कि सब आइलैंड के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है, और है हमारे पास हमारे गोल्स, हमें एंडर ड्रैगन को बीट करना है। इसके लिए हमें ताकतवर भी बनना पड़ेगा, लकी ब्लॉक भी माइंड करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो पहले बुक रख देता हूँ, या सभी रख देता हूँ, क्योंकि अगर हमें गिर गया और सब कुछ वेस्ट हो गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बात तो सही है। तो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले पेड़ तोड़ूँ, बट अगर मैं पहले पेड़ तोड़ूंगा तो मेरे को इतने फ़ायदे नहीं मिलेंगे जो मिल सकते हैं, मतलब सैपलिंग हो सकता। तो मैं काम करता हूँ, कोबलस्टोन जनरेटर बनाता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं हम लोग। 1 minute later मुझे लगता है ना, मुझे वो आइस तोड़नी पड़ेगी वरना कुछ निकलेगा नहीं, तो तोड़ के ही देख लेते हैं क्या है। तो पानी आया, चलो तो माइनिंग शुरू करते हैं। अबे यार, मैं पिकैक्स बनाना भूल गया, ठीक है, वही मुझे लगा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो यहाँ पे डर्ट लगाते हैं पहले, क्योंकि ये सामान गिर ना जाए, क्योंकि जो भी सामान मिलने वाला है वो सब कीमती है अपने लिए अभी तो, क्योंकि कम रिसोर्सेज है और ज़्यादा फायदे चाहिए। तो बनाना शुरू करते हैं आसपास, ये करा दिए। और हाँ, मेरे को लगता है मैंने गलती भी की है डर्ट लगा के, क्योंकि अगर मैं समझो ये डर्ट तोड़ता हूँ तो ये डर्ट नीचे गिर जाएगी जिससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी कुछ प्लान करते हैं आगे, पहले ये सब कर ले, पिकैक्स बना ले, कॉबलस्टोन निकाले, ये थोड़े जगह को बड़ा कर सकूँ मैं, क्योंकि अभी तक कुछ स्पॉनिंग नहीं हुई है कोई भी एनिमल की, क्या पता एनिमल स्पॉन भी होंगे कि नहीं। तो पहले प्लैंक बना लेते हैं, और उसके बाद स्टिक बनाते हैं, क्राफ्टिंग टेबल भी चाहिए होगा, क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर रख देते हैं, और पिकैक्स बना लेते हैं। हाँ, पिकैक्स और स्वॉर्ड नहीं, पिकैक्स ही सही है। तो हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं माइनिंग का है ना सीन कट कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइनिंग करनी पड़ेगी, अगर आपको दिखाते रह गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और टू मतलब बोलते ना स्पीड करने के बाद भी आपको कहीं कहीं ग्लिच दिखाई देगा, इसलिए मेरे को वो चीज़ नहीं करनी है कि थोड़ा बेकार बने वीडियो। और सब कुछ जल ही रहा है, इसमें कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को। अबे यार, कुछ मिल ही नहीं रहा है, सोच रहा हूँ थोड़ा क्लोज जाओ उसके। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो क्लोज जाना पड़ेगा लगता है, नहीं तो ऐसा कुछ सब गिरता रहेगा तो मिलेगा कुछ नहीं। तो डट तोड़ते हैं और बाजू में लगा देता हूँ उसको, क्योंकि अगर मैं चाहता नहीं कि मैं पीछे जाके गिर जाऊँ और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से बैठ के मैं माइनिंग शुरू करता हूँ, और हाँ, मैं सब सीन कट कर दूंगा माइनिंग के। 5 minutes later यहाँ पे ये टूट गया, इसका मतलब ये 23 ब्लॉक माइन करके दे सकते हैं हम लोग पिकैक्स वुड वाली। और मैं यहाँ पे डट लगा देता हूँ कि सामान गिरे नहीं, क्योंकि पत्ती कुछ ज़्यादा ऊपर तक थी। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पहले, एक सेफ्टी के लिए चाहिए भाई स्वॉर्ड चाहिए, उसके बाद फर्नेस बना लेता हूँ अगर कुछ कुक विक करना हुआ तो, क्योंकि इसमें चारकोल नहीं है मेरे पास, तो चारकोल बनाना पड़ेगा, कोल नहीं है मतलब, तो चारकोल बनाना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा नीचे से ना जैसे स्टीडी टाइप बनाऊँ, ताकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा बिल्ड करूँ, तो ये बेसमेंट बता ना, ये बेस रहेगा और इससे ना सारी सीढ़ी निकलेगी हर तरफ से, और उसके ऊपर एक फ्लोर होगा और उसके ऊपर बिल्ड होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेज जैसा बना लेता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पहले ही लकी ब्लॉक पे जाकर देखूँ क्या क्या है, और लकी ब्लॉक तो बहुत मदद करने वाला है इस गेम में, क्योंकि वो इंचांटेड बुक ये सब भी दे सकता है,
बहुत कुछ है भाई, आर्मर व्यूर्मर भी दे सकता है इसके लिए। तो पहले मैं स्टेयर्स से बना लेता हूँ, आगे आगे जाते रहेंगे। और ठीक है, हाँ लग गया। तो मैं सीधे सीधे लगा के जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक लगने वाले, तो मैं फटाफट दिखाता हूँ कैसे कैसे लगाना है। Meanwhile, मेरी ये फट रही है भाई साहब, इतना दूर आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गिर ना जाए मेरे से, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं गिराना नहीं चाहता। तो मैं सब कुछ रख देता हूँ क्योंकि बकेट विकेट जो भी है वो सब इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी लोग जाते हैं, देखते क्या होता है। उतने में गया ये भाई साहब, नहीं यार भक। हाँ भाई, ऐसी लगी आगे स्वाद। सॉरी वो कान फाड़ने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली गिरा और बहुत सारी चीजें नुकसान हो गई है। पेड़ पे चढ़ा दिया लोगों ने, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया ऊपर से। तो यहाँ पे वाट लग गई है अच्छे से, अब क्या करो समझ में नहीं आ रहा यार। प्लैंक लकड़ी नहीं है मेरे पास, अच्छा वो वुड मैंने बचा के रखा हुआ है। अभी अगर मेरे पास नहीं होता वो सब कुछ गिर जाता तो वाट लग जाती, तो ठीक है एक प्लैंक मिल गया सही है। यार वाट लग गई यार भग, दिमाग खराब हो गया मेरा, अभी फिर से माइन करना पड़ेगा यार। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना दी यार एक्स्ट्रा, क्या कर रहा हूँ मैं। अभी एक लॉक वेस्ट हो गया मेरा, तो फिर से एक लॉक माइन करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है मेरे पास। ये जल भी नहीं रहा है, कोल बनेगा क्या इसका, चारकोल जो भी है। स्टार्ट करो। देखते अभी ओग लॉक मैं माइन करते हैं। ठीक है मिला, तो कुछ बन भी नहीं रहा है, दिमाग खराब हो रहा है ऊपर से। ठीक है और निकाला, बन गया पिकैक्स, इसको फेंकूंगा मैं उठा के अच्छे से। चल निकल दम दूर से, दिखना भी नहीं चाहिए ये। तो अभी माइन करते हैं फटाफट, और सोच रहा हूँ मैं 3 ब्लॉक होने के बाद स्टोन का बनाता हूँ, ताकि ना मैं फटाफट ज़्यादा माइन कर पाऊँ और फिर एक ही बार में दिखाऊँ, क्योंकि बार बार माइन करने जा रहा हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तो 3 ब्लॉक मिल चुके हैं अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, तो पिकैक्स बनाया है, अब पूरा माइन करके आता हूँ जब तक अच्छे खासे ब्लॉक जमा नहीं होते मेरे पास। 2000 years. तो भाई साहब हो गया माइंड, और ये थोड़ा सा ये पे थर्ड पिकेक्स चल रही है वुड की, और मैं सोचा कि और भी बनाऊँ ज़रा अच्छे खासे ब्लॉक जमा करता हूँ, यहाँ पे ये सेफ रखता हूँ कि अगर मैं इन फ्यूचर गिरता हूँ तो थोड़ा सेफ्टी के लिए। और बाकी सब मैं सोच रहा हूँ स्लैब बना दूँ और थोड़ा सीढ़ी बनाऊँ कि ऊपर जाने का, जैसा मेरा प्लान था कि मैं ऊपर तक लेके जाऊँगा उसको, तो वही करते हैं। और थोड़े बहुत स्लैब भी सब कुछ रख देता हूँ वुड के जो भी रहेंगे, और सारे स्लैब बना देता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है कि सब स्लैब बना देना चाहिए मुझे। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो नीचे वाला बेस है ना उसको मैं नॉर्मल कॉबल स्टोन से रखूँगा, उसके बाद जो रहेगा वो करेंगे हम लोग स्लैब से, एरिया बड़ा कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक लगा दें फटाफट, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा नीचे तक ब्लॉक लगाऊँ क्योंकि ये जो एरिया है ना ये डर्ट का एरिया, सोच रहा हूँ मैं डर्ट निकाल लूँ यहाँ से। तो यहाँ से सेकेंड लाइन में लगाता हूँ क्योंकि यहाँ से पूरा अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ से पूरा लगाते हैं फटाफट। और ये लगता गया, ये भी ठीक है, ये चलते आराम से। अगर गिर गए ना भाई साहब मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पे। फटाफट ये लाइन कंप्लीट करते हैं कि दूसरी लाइन भी बना पाए। तो अगर इसके नीचे थर्ड वाला भी लगा दूंगा ना तो शायद ज़्यादा नीचे हो जाएगा, बट अपन देखते हैं बाद में क्या करना है। और मैं सोच रहा हूँ कि डर्ट मिल जाए यहाँ से, तोड़ने पर जितना भी डर्ट है वो सब मेरे पास आ जाए। और ये आ भी रहा है, उसका सैप मिला है मुझे। तो यहाँ पे जो भी डर्ट है मैं सोच रहा हूँ उसको भी हटा के रिप्लेस कर दूँ उसको कॉबल स्टोन से, क्योंकि मैं ना कम से कम डर्ट यूज़ करना चाहता हूँ उसके अंदर। पता है मुझे नीचे वाले एरिया जो है वो पूरा डर्ट का रह गया है, उसको भी हटाएंगे हम लोग बाद में। पहले धीरे धीरे इसको पहले ट्री को ग्रो करते हैं कि थोड़ा सामान एक्स्ट्रा मिलता रहे, क्योंकि बाद में रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने पेड़ हो वो सब मिल जाए, कॉबल स्टोन मिल जाए। अगर हमारे पास कोल आएगा तो मैं उसको पिघला के और बोलते ना स्टोन बनाऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें स्मूथ स्टोन। और हाँ मुझे अभी याद आया कि मैं स्लैब का भी यूज़ कर सकता था इसमें, मेरे बहुत सारे ब्लॉक बच जाते। बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी वाला दिमाग लगा दिया है मैंने। अरे भाई साहब यार वाट लग गई है वाट, मतलब झंड हो गई जिंदगी। अब फिर से माइन करूँ मैं, यही काम रह गया ना मेरे पास, यही काम रह गया है। कभी माइन करो, कभी ये करो, कभी गिर जाओ, कभी ख़त्म करो, दिमाग ख़राब करके रखा है। कुछ बचा भी नहीं है मेरे पास अभी, पेड़ यार अभी कोई ट्री वो सब कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब वेस्ट गया, स्टोन गया, डर्ट गए यार।
अब पेड़ उगाता हूँ फटाफट। अब पेड़ उगने का वेट करते हैं, अब कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। साला वाट लगी हुई है, देखते हैं क्या बचा है। एक चलो सैपलिंग है, बोनील है, बोनील से शायद मैं उगा सकूँ। लग भी नहीं रहा है, दिमाग खराब। देखते हैं अब, कुछ बचा भी नहीं है यार। पेड़ में पिकैक्स भी नहीं बना सकता मैं, एक्स भी नहीं बन सकती उससे, कुछ भी नहीं बन सकता। एक बोनील मारूँ क्या, क्या पता वो। अभी सोच रहा हूँ कि इसको हटा के देखूँ, थोड़ा आगे लगाता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ कि कुछ गिरे नहीं। अभी कुछ मिल रहा है वो भी गिर जाएगा तो बेकार लगेगा, सैपलिंग हो सब तो। बोनील क्यों नहीं लग रही है, लग गई। चलो ठीक है, अभी माइन करना पड़ेगा, थोड़ा उगने का इंतजार करते हैं। सोच रहा हूँ एक और बोनील मार के देखूँ, एक और बोनील मार देते हैं। क्या करूँगा मैं इसका, इसको रख देता हूँ। क्या फ़ायदा लेके मेरे को, कुछ फ़ायदा तो है नहीं। बोन नहीं लेना था मुझे, दिमाग नहीं चल रहा है मेरा। चलो मार दिया उसको, थोड़ा जल्दी उगेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। पूरा बोन नहीं वेस्ट भी नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए, माइंड भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। एक काम करते, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा रुकता हूँ मैं, देखता हूँ कब उगता है कब नहीं। Few inches later. तो भाई साहब कुछ रुकने के बाद पेड़ वेड़ आए हैं खतरनाक वाले, मैंने उगाया और उसके वुड्स मैंने निकाल लिए, और यहाँ पे सैपलिंग गिर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है। देखो ये फिर से गिरी सैपलिंग। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो भी मेरे को मिला है वो क्लॉक वो सब, इसको भी थोड़ा सेव करना शुरू कर दूँ और ये जगह को थोड़ी और बड़ी करूँ। मेरे को पहले से हरकत नहीं चाहिए तो। और यहाँ पे सैपलिंग है ऊपर, इसको भी निकाल लेता हूँ गिरा के, वो स्टिक भी मिली मुझे तो ठीक है। मैंने थोड़ा सा माइनिंग भी किया, ये मैंने दूसरी बार पेड़ लगाया, जितने भी ये पेड़ दिख रहे हैं ना आप लोग को, ये दूसरा पेड़ लगा जो इसके पहले आया था ना, उसका जो मिला मुझे उससे मैंने पिकैक्स बनाए और माइनिंग शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार मैं स्किप लूँ तो अच्छा लूँ स्किप इसके लिए। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना थोड़ा एरिया बड़ा करूँ उसका, क्योंकि जैसा अभी जो कांड हुआ ना वो बार बार नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो सोच रहा हूँ मैं थोड़ा एरिया बड़ा करूँ, उससे पहले कुछ बनाने का सोच रहा हूँ, क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। स्लैब बना देता हूँ क्योंकि मेरे को एरिया बड़ा करना है फटाफट, तो स्लैब बना लेता हूँ। मैं स्लैब के लिए इतना सोच रहा हूँ, बताऊँ दिमाग काम करना बंद कर दिया मेरा, सच बताऊँ तो, क्योंकि इतनी 2 घंटे से भी ज़्यादा वीडियो बन जाएगी अगर मैं आपको पूरा अगर दिखाने लग गया तो। लेकिन अभी पे अभी तो शायद 1 घंटे की वीडियो बनी है, ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई, और स्लैब एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं हटा दूंगा उसको। तो फटाफट लगाता हूँ उसको और मिलते हैं, क्योंकि ऐसा लगाते रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फटाफट स्किप करता हूँ मैं ये सीन को और मिलते हैं। Well, bad puns later. तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डर्ट लगाऊँ यहाँ पे पेड़ उगाने के लिए, तो एरिया और भी बड़ा करना पड़ेगा। पहले एरिया बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सिक्योर बनाता हूँ एरिया को, थोड़ा ब्लॉक व्लॉक लगा के, उसके बाद और भी पेड़ उगाएंगे और फिर उसके बाद और भी बिल्ड करेंगे। मैं पहले आज ही सोचा था कि ये लकी ब्लॉक के पास जाऊँ, लेकिन ये सब देखने के बाद है ना मुझे लग रहा है खुद को प्रोटेक्ट करना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पूरा एरिया कवर कर ही दिया है ऐसे में लगभग, और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो स्टेयर्स वाले पार्ट है ना, ये जो स्टेयर है, तो यहाँ पे कोई फैंस फैंस डोर लगा दूँ, ताकि जो मॉब्स रहेंगे जो स्पॉन होने वाले वो यहाँ पे ना आए ये एरिया पे। और ये थोड़ा सा एरिया ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पे भी जो ये डर्ट है उसको निकाल देता हूँ यहाँ से, मतलब ये डर्ट को हटा के पूरे कॉबल स्टोन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये कन्वर्ट करके फटाफट मिलता हूँ। Meanwhile, पूरा एरिया शिफ्ट कर दिया यहाँ से, जो मैं वहाँ पे लगाया था वो सब यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, और थोड़े एक्स्ट्रा चेस्ट बना देता हूँ, क्योंकि अभी रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए रखने के लिए, तो मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए भाई अपने पास। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं और भी चीज़ें लगाते हैं यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे लगना था, यहाँ पे लगना है, हाँ ठीक है, यहाँ पे हो गया, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और देखो ये मैंने पूरा एरिया बना दिया है बड़ा सा, और सब कुछ कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देते पानी डाल देते, तो यह पानी आ गया एकदम ख़तरनाक। तो यहाँ पे जो डर्ट है उसको रहन देता हूँ मैं, क्योंकि जो ग्रास है ना, ग्रास ब्लॉक होना चाहिए अपने पास, नहीं तो ग्रास ब्लॉक नहीं रहेगा तो कोई चीज़ स्पॉन नहीं होगी, और यहाँ पे रात होने वाली है तो यहाँ पे शायद कोई ज़ॉम्बी आ जाए। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे फेंस डोर लगा दूँ, ताकि कोई मॉब यहाँ पे इंट्री ना मार सके, नहीं तो वाट लग जाएगी यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बनाते हैं पहले फेंस डोर, कैसे बनता है यहाँ पे रेसिपी होगी शायद, फेंस गेट बन गया, 2 बना लेता हूँ अभी के लिए, काफ़ी है 2, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, और चीज़ लगा तो और बना लेंगे बाद में, क्योंकि रिसोर्सेज फेस्ट नहीं कर रहे हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ताकि मॉब थोड़े दूर रहे। 2 गज की दूरी,
ये मंत्र भूलना नहीं है। और यहाँ पे एक स्लैब लगाता हूँ ताकि वो हो सके, दो हो सके, डबल डोर। ये एरिया थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा शायद से, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा पीछे रह गया और ये आगे रह गया। ये क्या करना पड़ेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा इसको, और कोई ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि ये लाइन लंबी है और ये लाइन छोटी, तो इसको भी इक्वल करना पड़ेगा उसके। तो उसको भी तोड़ो, यहाँ पे लगाना है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे इसको, यहाँ से यहाँ पे। और सही है, सही जा रहे, सही जा रहे। यहाँ पे भी लगा दिए, ये एरिया तोड़ना पड़ेगा उसका, और थोड़ा और एरिया बढ़ाते हैं इससे। तो थोड़ा स्टोन रख देता हूँ यहाँ से, गिरना नहीं है मुझे वहाँ से, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। 53 53 वो है, डर्ट है अपने पास। प्लैंक भी रख दूँ क्या? प्लैंक भी रख देते हैं, प्लैंक क्यों छोड़ रहा हूँ। थोड़े स्लैब भी लेता हूँ ताकि लगाना रहेगा, और पिकैक्स रहेगा जिसे तोड़ सकते हैं। तो फटाफट लगाते हैं, और ये फटाफट, ये भी तोड़ना है मुझे, जो मतलब ट्री भी तोड़ना है मुझे, तो उसके लिए बनाते हैं पिकैक्स। पिकैक्स बोलते क्या बोलते हैं इसको, शायद एक्स बोलते हैं, एक्स। तो एक्स भी बनाने का है मुझे, तो स्टोन की एक्स बना लेता हूँ, तो एक शॉवल बना लेता हूँ डर्ट माइन करने के लिए। अभी तो डर्ट के लिए कुछ है भी नहीं, फिर भी सब रखते हैं और फटाफट माइन करते हैं, यहाँ के एरिया को बड़ा करते हैं फटाफट। नेक्स्ट डे लेट है। तो मैंने अच्छा खासा एरिया बड़ा कर दिया यहाँ पे, और ये सोच रहा हूँ ये सीढ़ी को रीअरेंज कर दूँ, क्योंकि ये सीढ़ी मैंने ऐसे ही बना दी थी फालतू गिरी में। तो यहाँ पे, यहाँ देखो सीढ़ी बन गई खतरनाक वाली, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से भाई साहब गिर ना जाओ, तो यहाँ पे दो ये ब्लॉक लगा दिया मैंने, थोड़ा सेफ रहेगा इससे। और यहाँ पे मैंने पानी हटा दिया, फिर से पानी डाल देता हूँ, क्योंकि मैं सोचा था कि ऐसा नीचे जाके लगाने का बहुत सारे प्लान चलते माइंड में, तो कुछ काम का था नहीं वो, सब कुछ रख देते। और पिकैक्स की हालत देख ही सकते हो, वाट लग गई है पिकैक्स की, क्योंकि मेरे को बहुत सारे माइन करना पड़ा एक ही बार में, तो पूरे पिकैक्स की हेल्थ चली गई। और बीच में मैं कॉबलस्टोन भी माइन कर रहा था ताकि कमी ना पड़े, और भी स्लैब बना देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एरिया जो है ना, यहाँ पे मैं फार्म बनाऊँगा। फार्म मतलब जैसे मॉब फार्म होते हैं ना, मॉब फार्म विलेज, और जो ये साइड रहेगा सामने वाला, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि ये फार्मिंग व्यूमिंग के लिए रहेगा। और जो जहाँ पे मैंने चेस्ट रखा है ना, चेस्ट के आगे वाला एरिया, मतलब एरिया बनाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे हाउस रहेगा, एकदम खतरनाक हाउस बनाएंगे। पहले इसको माइन कर देता हूँ फटाफट, ताकि इसकी ये भी डिस्पॉन होना चालू हो जाए, और इसमें सैपलिंग वो सब मिल जाए, और भी एरिया बड़ा करेंगे तो और भी मिलता रहेगा, क्योंकि ये सब की ज़रूरत है मुझे। तो मैं फटाफट इसको माइन करता हूँ, और यहाँ पे कर दिया, तो ये आराम से डिस्पॉन होता रहेगा। तब तक थोड़ा रेस्ट करते और भी देखते क्या होता है। यहाँ पे भी सैपलिंग आई, यहाँ पे वो सैपलिंग लगा देते हैं। आई पेड़ चली गई क्या उसके अंदर? हाँ, ये मैं इसको ढक देता हूँ, क्योंकि जो भी सामान है ना, वो गिरते गिरते इसमें गिर गया तो वेस्ट हो जाएगा इसके लिए, तो उसको भी ढक देता हूँ। लेकिन ये काम करता है क्या? कर रहा है। तो मतलब स्लैब लगाने से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सही है। तो यहाँ पे डिस्पॉन होता रहेगा और सामान मिलती रहेगी, और हम लोग आगे भी बहुत सारे प्लान करेंगे इसको आगे देखते। और ये एरिया मैंने शायद मैंने बड़ा कर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हर एक कोने में ना ये डर्ट लगा दूँ और पेड़ लगा दूँ वहाँ पे, क्योंकि पेड़ के अगर रिसोर्सेज ज़्यादा रहेंगे ना, तो आगे फार्म ट्री विलेज वो सब बनाने में बहुत मदद होगी, तो मैं वो सब करूँगा। तो यहाँ पे सैपलिंग ले लेता हूँ मैं, डर्ट भी उठा लेते हैं फटाफट, और हर एक कोने में लगा देते हैं यहाँ पे, कि पेड़ उगना चाहिए। और ये थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा इसमें, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ, थोड़ा यहाँ पे भी लगा देते हैं, और थोड़ा पीछे साइड भी लगा देते हैं वहाँ पे, तो आसानी रहेगी। यहाँ पे एक दो लगा दो क्या? यहाँ पे एक ही लगाते हैं, थोड़ा ये साइड लेके यहाँ पे एक लगाते हैं, वहाँ पे एक जगह खाली है डर्ट, उस पर लगाते हैं एक, और एक बचा है, और एक कहाँ पर लगाऊँ? यहाँ पे लगा देता कोने में, सही रहेगा जहाँ पे पहले था, तो यहाँ पे लग गया। तो ये सब उगेंगे और भी बहुत सही लगेगा जहाँ बाहर देखते कैसा व्यू। उससे पहले भाई साहब सामान गिरना चाहिए, इसलिए बचाना पड़ेगा उसको। अब भी अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं तो सब कुछ वेस्ट ही होता, सब कुछ रख देते जो भी है अपने पास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ भी लॉस ना हो इसके लिए। सब कुछ रखते हैं, देखते कैसा लग रहा है दूर से, फिर आएगा मज़ा, देखते हैं कैसा लगेगा। बंद करते हैं इसको, थोड़ा आगे जाते, भागते भागते जाएंगे, अभी तो कुछ टेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं ना। हाँ, देख लूँ एक बार भाई सब, नहीं हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को वहाँ जाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहाँ जाएंगे, देखते हैं लकी ब्लॉक में क्या क्या मिलता है अपन को, लकी हूँ क्या लकी सब कुछ पता चलेगा उसी एपिसोड में। तो यहाँ पे देखते हैं आगे, कुछ हरियाली लग नहीं रही है क्योंकि सब कुछ डिस्पॉन हो रहा है अभी, पत्ते वित्ते।
चलो दिखते हैं, देखो अभी ये सब जो पेड़ लगाए बाद में उगेगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। देखते हैं अभी बंद करते हैं इसको। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, अभी कुछ गिरेंगे कुछ तो प्रॉब्लम है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम अपन ज़्यादा अच्छा डेवलप कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई साहब आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते जाए ना, देखते हैं हम लोग कि आप लोग क्या करते हैं, कैसा लगा आपको सीरीज सब बताना मुझे। और भी अगर आपको डिटेल देना है तो आप डिटेल भी दे सकते हो कमेंट में, बताओ कि और क्या बिल्ड करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो टेंशन नहीं है, देखो अभी मैं उछल कूद रहा हूँ लेकिन गिर नहीं रहा हूँ, तो यही चीज़ का बहुत सुकून मिल रहा है मुझे इस गेम में, अब मज़ा आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए और बताना मुझे कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो।